हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूं सीएस एग्जीक्यूटिव जून 22 स्टूडेंट्स के लिए। इवन जो मैं एक्टिविटी ले रहा हूं ये दिसंबर 22 के भी स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी है सर डेली एमसीक्यूज, ठीक है। डेली एमसीक्यूज ऑन माय टेलीग्राम चैनल्स ऑफ सीएमए एंड एफएमएसएम, ठीक है। दोनों एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है मैं दो ही सब्जेक्ट्स में डील करता हूं। दोनों के दोनों एमसीक्यूज हैं, दोनों के चैनल्स मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। मैं चार से पांच अटेम्प्ट से मैं ये एक्टिविटीज ले रहा हूं फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस खत्म हो चुका है, अब न्यू बचा है, तो न्यू के मैं इसको आगे लेने वाला हूं। सीएमए एफएम दोनों का एमसीक्यू मैं डेली लूंगा। कितने एमसीक्यूज लेंगे सर आप? 3 to 4 एमसीक्यूज डेली मैं लूंगा। सर कब से ये स्टार्ट होगा? सर कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सर क्या टाइम पे एमसीक्यू आप डालोगे? कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में ही डाला जाए, बिफोर 11 AM, सुबह 11 बजे के पहले मैं डलवा दूंगा, ठीक है। सर ये एक्टिविटी कब तक चलेगी? ये लगभग एग्जाम तक चलेगी, मिड मई तक तो पक्का चलेगी, आखिरी का मुझे पता नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मिड मई तक इसको कंटिन्यू रखूं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितने एमसीक्यूज लगभग उसमें आने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी फाइल नहीं बनी हुई है, वो रैंडम होता है। मैं जो भी नए एमसीक्यूज मुझे दिखते हैं, कुछ मेरे बुक से भी मैं डालता हूँ, कुछ मुझे नए दिखते हैं या खुद मैं क्रिएट भी करता हूँ, ठीक है। तो काफी मिक्स बैग होता है वो, ठीक है। उसमें थ्योरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब इस पर एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि टेलीग्राम ऐप पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो उस सेटिंग्स के फ्रेम में रह के जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे पाऊंगा वही दे पाऊंगा। आपकी इच्छा होगी बहुत कुछ, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, मैं जिस सब पता है आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस मुझे पता है, इसीलिए ही मैं बता रहा हूं कि कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास जितने फैसिलिटीज हैं, मेरे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, उससे जितना मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना विश्वास आपको मुझ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये चैनल के लिंक्स हमको कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूं। डायरेक्टली आप लिंक क्लिक करोगे, मेरा चैनल ओपन होगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंश्योर करना कि टेलीग्राम ऐप आपके डिवाइस पे ऑलरेडी वो हो, ठीक है। टेलीग्राम ऐप अगर ऑलरेडी है तो डायरेक्ट लिंक से आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे और आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन गेट इन टच विद माय स्टाफ, उसका नंबर भी और उसके वर्किंग टाइमिंग्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज इंश्योर कि आप मेरे स्टाफ से वर्किंग आवर्स में ही सवाल पूछें और वर्किंग आवर्स में ही जवाब एक्सपेक्ट करें। रात को 12 बजे मैसेज उसको करोगे वो जवाब नहीं देगा। वर्किंग आवर्स क्या है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो रिस्पेक्टफुली, पीसफुली अगर आप बातचीत करोगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्टाफ का नंबर और स्टाफ के वर्किंग आवर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप स्टाफ से कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हो। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है आपको दिक्कत होगी नहीं। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप ऑलरेडी है, डायरेक्टली बस लिंक को क्लिक करके आपका जो टेलीग्राम मेरा चैनल ओपन हो जाता है और आप सीधे ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और कुछ आपको इस पे पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बट काफी बच्चे जो पूछते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि उन्होंने वीडियो ही नहीं देखा है। तो बिना वीडियो देखे जो भी बच्चा पूछेगा मैं उनको जवाब नहीं देने वाला, ठीक है। ये मेरा पॉलिसी बन चुका है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है, मिड मई तक लगभग चलेगा। 3 से 4 एमसीक्यू मैं डेली पोस्ट करूंगा। इट विल बी अ मिक्स ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। स्टार्टिंग में मैं इजी क्वेश्चन इनिशियल चैप्टर्स के पूछूंगा, ग्रेजुअली आई विल मूव ऑन टफ क्वेश्चंस, टफ टॉपिक्स, न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो धीरे धीरे होगा। तो थोड़ा सब्र रखें, काफी बच्चों को लगता है जो हमको चाहिए सर ने वो पहले डालने चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मेरे हिसाब से मैं चलूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के बेस के हिसाब से चलूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप आखिर तक फॉलो करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कभी भी इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। इट्स अ फ्री सर्विस, आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन करें, फॉलो करें। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज डू क्विट द चैनल और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, अपने फ्रेंड को थोड़ा सा हेल्प करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। ये जो चैनल है इसकी लिंक या फिर आप सर्कुलेट कर सकते हो, स्टेटस रख सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स तक आपको इसको पहुंचाना है। काफी बच्चे मुझे पता है
कि एमसीक्यू दर पदर ढूंढ रहे होते हैं आए ख्याल में, तो उन तक ये पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे अपने फ्रेंड की आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये भी हो सकता है एकाध मेरे क्वेश्चन में कभी रॉन्ग आंसर भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर अलग होना चाहिए और मैंने अलग दिया हुआ है, तो आप मेरे स्टाफ के नंबर पे ही स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपका क्वेरी है आप डाल सकते हो। विद इन वन डे और टू डे मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। बट हर क्वेश्चन पे सवाल नहीं पूछना है, कोई डाउट सॉल्विंग नहीं हो गया। अगर आपको लगता है कि आंसर मेरा गलत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती के क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दूंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि यस जेन्युइन है, मेरा आंसर गलत है, वो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, रिट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब वो मैं डिलीट कर दूंगा टेलीग्राम ऐप से, फिर उस क्वेश्चन को नए सिरे से डाल दूंगा विथ राइट आंसर, ठीक है। ये मेरा पैटर्न रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, इसको शेयर जरूर करोगे, बहुत ही अच्छा फायदा आपका इसका होगा। फायदा मैं बता देता हूं, इससे आपको अपनी लेवल पता चलेगी, इससे आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलेगी, अपनी औकात पता चलेगी कि वेयर यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन, आप कहां जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है एमसीक्यूज में, ऑप्शंस में आपको दिक्कत होगी तो आप कैसे डील करोगे, बरोबर। आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि आप खुद से डेली तो करोगे नहीं, खुद से डेली कोई नहीं करता, इतना डिसिप्लिन बच्चा है ही नहीं। इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं और आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली 3-4 एमसीक्यूज में डालूंगा, आप डेली मस्त रैंडम बेसिस को सॉल्व करो, आपको सब पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे मैं टफ क्वेश्चंस डालूंगा, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डालूंगा, और जहां भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, वहां पे वर्किंग नोट जरूर मिलेगी। बिना वर्किंग नोट में क्वेश्चंस नहीं देता, तो यहां पे भी जहां जहां न्यूमेरिकल्स होंगे बी अश्योर्ड कि सर वर्किंग नोट्स देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स पूरी होगी, वर्किंग नोट्स देख के आपको समझ में आ जाएगा या आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, आई होप आप इसको शेयर करेंगे, मैक्सिमम सीएस स्टूडेंट्स तक आप इसको पहुंचाएंगे और मेरी जो मेहनत है उसका कुछ फायदा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।